अभी जो है हम कोटेश्वर महादेव के मंदिर में आए हैं, जो आज शिवरात्रि का पर्व है। उस उपलक्ष्य में जो है आज हम अपने नज़दीकी मंदिर, जो कि कोटेश्वर महादेव का मंदिर कहा जाता है, कोटेश्वर हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में आपने सुना होगा, तो वहीं अभी जो है हम कोटेश्वर मंदिर की तरफ आए हैं। और ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ में जो पानी का बंठा है, इसे दरअसल जो है भगवान शिव के जो लिंग होता है, ज्योतिर्लिंग, उस पर जल चढ़ाना होता है। उसलिए हम जो है अभी यहाँ से जो है पानी लेंगे। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मेरा दोस्त परवीन भी मेरे साथ आया है, और यहाँ से जो है हमने पानी लेना है। लो परवीन, चलिए यार मेरा आगे चलें, यहाँ से ले लेते हैं हम तो। बढ़िया काम, यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट देखिए, बहुत बढ़िया सिटिंग अरेंजमेंट है। पीछे मंदिर है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। जय हो, जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु रे शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। ये सिद्धपीठ कोटेश्वर महादेव मंदिर है, इसके बारे में ग्रंथों में इसका वर्णन है, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, केदारखंड में इसका वर्णन है। आज जो लोगों को आप देख रहे हैं यहाँ पे, शिवरात्रि का पुत्र कामना हेतु यहाँ पर आए हैं, और पुत्र कामना हेतु ये क्षेत्र जो है सबसे उत्तम माना गया है। तो आज शिवरात्रि है, और शिवरात्रि के पर्व पे लोग अपनी मनोकामना लेके आए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इतना विशाल शिवलिंग है, मेरे को लगता है कि पूरे भारत में इतना विशाल शिवलिंग नहीं होगा। तो ये सिद्धपीठ कोटेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पे बाबा भोलेनाथ जी हैं, और उधर जो छोटी मूर्ति है वो पार्वती जी हैं, ये यहाँ के महंत जी हैं, मेरे बड़े भाई साहब जी महावीर जी, और ये बड़े भाई साहब हैं जगतमागिरी जी, और मेरा जो है तीसरा नंबर है पुरानंद गिरी जी। तो आपकी जो पीढ़ियाँ हैं, मतलब आप लोग कब से यहाँ पर हैं? मतलब ये सातवीं पीढ़ी है हमारी। अच्छा, सातवीं पीढ़ी है, सातवीं पीढ़ी है। पिताजी तो स्वर्गवास हो गए हैं जी, लेकिन अब जो है मंदिर का कार्यक्रम हम ही लोग देख रहे हैं जी। तो ये जो बाहर नदी बह रही है जी, ये उत्तर वाहिनी गंगा है। अच्छा, और भागीरथी जी है, भागीरथी जी है, उत्तर वाहिनी गंगा और भागीरथी का पानी यहाँ चढ़ाते हैं जी। शुद्ध गंगा जल लोगों को जो है भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए मिलता है भागीरथी का। अब कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ लोग? यहाँ तो अब ये नहीं कह सकते कि कहाँ से आते हैं, मुंबई, कलकत्ता, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह से लोग यहाँ आते हैं। अब आज रात ही कम से कम दो बोलो 50 लोग ऐसे होंगे जो पुत्र कामना के लिए खड़ा दिया जी, उसके लिए खड़ा दिया बोलते हैं, उसके लिए आ रखे हैं लोग, अपनी मनोकामना लेके आते हैं। क्या समय क्या फल है दोनों में तेरी महानता, 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 सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह मे
मेरे मन में शंकरा, तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जय शंकरा, भोले नाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंकर शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा, भोले नाथ शंकरा, शुक्रदेव हे महेश्वरा। Oh,